स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो लीनियर इक्वेशंस होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको हम इटरेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम दो मेथड आज पढ़ने वाले हैं, वन इज जैकोबी मेथड एंड सेकंड वन इज गॉस सीडल मेथड। सो जैकोबी मेथड में आपके सामने आज डिस्कस करूंगा कि इस मेथड से कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इससे पहले मेरे जो वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड हैं उसके अंदर आप डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था जिसके अंदर गॉस एलिमिनेशन मेथड है, देन गॉस जॉर्डन मेथड है, देन उसके बाद एल यू डी कंपोजिशन मेथड पे मैंने यहाँ पे वीडियोज अपलोड किए हैं। स्टूडेंट न्यूटन रॉप्सन मेथड, रुगला फालसी मेथड, बाइसेक्शन मेथड, देन यहाँ पे जो सिकेंट मेथड है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे भी ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। और न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, इंटरपोलेशन है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, वो भी यहाँ पे अपलोडेड है। प्लस स्टूडेंट अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो लाइक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो मैथ्स पढ़ते हैं और बीएससी के स्टूडेंट जहाँ पे मैथमेटिक्स आपका है सब्जेक्ट, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, देन उसके बाद गामा बीटा फंक्शन लाइक कैलकुलस है, अजम डॉट, कर्वेचर, कर्व ट्रेसिंग और डबल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कर्व ट्रेसिंग, लाइक बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। अराउंड 250 मेरे 220 या 250 वीडियोस के अराउंड अपलोडेड है। सो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो IT12 यहाँ पे मैं उसके लिंक मिल जाएंगे या फिर मेरा जो वीडियो खत्म हो उसके लास्ट में आपको लिंक्स दिख जाएंगे। क्लियर है? सो स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, सो देट कि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टूडेंट कमेंट और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हाँ लाइक हम लोग जो भी काम करते हैं उसके लिए ये हमारे लिए एक एनर्जी की तरह काम करता है, क्योंकि एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। क्योंकि अगर जितने कमेंट्स और जितने अच्छे लाइक्स होते हैं तो उसके लगता है कि चलो यार और भी अच्छा काम और भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करें। तो स्टूडेंट करते रहिए सो देट कि मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करता रहा हूँ। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इटरेटिव मेथड में, सबसे पहले जैकोबी इटरेशन मेथड क्या होता है, लाइक हमारे पास क्वेश्चन देखा है, क्योंकि देखो मैं मेथड यहाँ पे पूरा मेथड आपको एक्सप्लेन करूँगा तो वो टाइम खराब होगा, तो मैं क्वेश्चन से आपको मेथड को समझाना चाहूँगा कि कैसे हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैकोबी इटरेशन मेथड के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, 27x प्लस 6y माइनस z इज इक्वल टू 85, 6x प्लस 15y प्लस 2z इज इक्वल टू 72 एंड x प्लस y प्लस 54z इज इक्वल टू 110 आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि x, y, z के कोफिशियंट, लाइक फर्स्ट इक्वेशन देखिए है ना, इसका x का कोफिशियंट y और z के कोफिशियंट को जोड़ने पर ये बड़ा आ रहा है। देखो x का कोफिशियंट मोड लाइक पॉजिटिव वैल्यू है ना, मोड ऑफ कॉफिशियंट ऑफ x इज ग्रेटर देन मोड ऑफ कॉफिशियंट ऑफ x प्लस मोड ऑफ कॉफिशियंट ऑफ y, बराबर है, बड़ा है। नेक्स्ट, अब जरूरी नहीं कि वाई का कॉफिशियंट, हो सकता है इन दोनों में से z का कॉफिशियंट भी बड़ा आ जाए ना। तो देखिए यहाँ पर y का कॉफिशियंट क्या आ रहा है, x और z के कॉफिशियंट के सम से बड़ा आ रहा है, और इसी टाइप से z का जो कॉफिशियंट है वो x और y के कॉफिशियंट से सम से बड़ा आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हम लोग जैकोबी मेथड यूज करते हैं, नहीं तो जैकोबी मेथड यूज करेंगे तो बहुत लाइक बाकी में भी कर सकते हैं बट वो बहुत लंबा हो जाएगा और लाइक बहुत ज़्यादा इटरेशन में आपका आंसर आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो देन हम लोग आराम से इस मेथड से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आपका ये वाला इक्वेशन, इसमें एक्स का कोफिशियंट ज़्यादा आ रहा है तो उस एक्स को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको उधर लाइए, तो ये आएगा 85 माइनस 6y प्लस जेड है ना, और ये जो 27 इसको यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नाउ y, अब देखो यहाँ पे y का कोफिशियंट ज्यादा है तो y का रहने दीजिए, बाकी उधर ले आइए, तो ये आएगा 72 माइनस 6x माइनस 2z और यहाँ पे आएगा 1/15, देन z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 1/54 है ना, ये आएगा 1/110 है ना, माइनस x माइनस का y। ठीक है ना, तो ये आपको पहले इस तरीके से लिखना पड़ेगा इसको है ना, जैसे इसका x का कोफिशियंट ज्यादा तो x को इधर रखिए, इसका y का कोफिशियंट ज्यादा तो y इधर रखिए, इधर z का कोफिशियंट ज्यादा तो z रखिए। और जब भी आपको ये मेथड अगर एग्जाम में अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा जहां पर एक में x का कोफिशियंट ज्यादा आ रहा होगा, एक में y का ज्यादा आ रहा होगा, एक में x का ज्यादा आ रहा होगा है ना, तो जिसका ज्यादा आ रहा उसको उधर साइड में रखिए ताकि हमारा लाइक जितना डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होगी उतना हमारा क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होगा ना, उतना जल्दी हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चल सकते हैं। नाउ फर्स्ट जो इटरेशन होगी लाइक है ना, अब जो इनिशियल वैल्यू है ना, इनिशियल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जीरो की वैल्यू जीरो,
y0 की वैल्यू 0 एंड z0 की वैल्यू 0 ले लीजिए, है ना। मैं इनकी वैल्यू क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, है ना। तो इनकी स्टार्टिंग में जो वैल्यू आप 0 लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए ना, इन सब की वैल्यू 0 लेने पर हमारा जो फर्स्ट इटरेशन आएगी, है ना, फर्स्ट इटरेशन क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे जो x1 आएगा, है ना। तो ये दोनों लाइक 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 0 और यहाँ 0 रखेंगे, है ना। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा हमारे पास 85/27, है ना। ठीक इसी टाइप से हमारे पास y डैश की वैल्यू आएगी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 रख देंगे क्योंकि सब 0 0 ही है ना। तो ये आएगा 72/15 एंड देन z डैश इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ये दोनों 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 110/54, है ना। तो लाइक इनकी जो भी वैल्यू आएगी, मैं सीधा लिखता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने बैठे, है ना। तो लाइक मैं इन सब की वैल्यूज आप रख देता हूँ, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 3.148 और यहाँ हमारे पास आएगा ये 4.8 और ये आएगा हमारे पास 2.037। आपको यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम सेकंड इटरेशन की, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ सेकंड इटरेशन, थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। नाउ सो सेकंड इटरेशन में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे हम x2, है ना, ऊपर लिखेंगे ना ऐसे, है ना। सेकंड इटरेशन में क्या होगा स्टूडेंट, 1/27 नाउ 85 माइनस, अब y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही, 4.8 आ रही, तो 6 × 4.8, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। प्लस z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, 2.037 एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ y2 की वैल्यू जो सेकंड इटरेशन है वो कितनी आएगी, यहाँ पे 1/15 देन 72/6, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 3.148, है ना, प्लस माइनस 2z, z की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे 2.037, है ना। देन इसकी वैल्यू निकालेंगे, देन सेकेंड इटरेशन यहाँ पे कितनी आएगी स्टूडेंट, देखिए 1/54, देन ये आएगा 110 माइनस x की वैल्यू हमारे पास दे रखिए 3.148 माइनस और y की वैल्यू दैट इज 2.037, है ना। ये वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हम रखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सेकेंड इटरेशन की वैल्यू आई वो आई 2.157, देन ये हमारे पास आया 3.269 आएगा, है ना। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, एंड देन जो थर्ड इटरेशन है इसकी वैल्यू आएगी, मतलब इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.89, है ना। नाउ अब बात करेंगे हम थर्ड इटरेशन की, है ना। तो स्टूडेंट थर्ड इटरेशन में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ये x3, है ना। तो थर्ड इटरेशन में क्या करेंगे, वही स्टूडेंट 1/27, है ना, नाउ 85, ठीक है, माइनस 6 × y, y की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पे 3.269, मतलब ये वाली वैल्यू रखेंगे आप, है ना, ठीक है। मतलब इस अगर यहाँ पे x3 वैल्यू निकाल रहे हैं, लाइक हमें y और z इसमें रखना है, तो उससे पहले वाली की वैल्यू रखेंगे ना, मॉडिफाइड वैल्यू रखेंगे, ठीक है। नाउ प्लस यहाँ पे क्या रहा, z हमारे पास कितना है 1.89, देन अब यहाँ पे निकालेंगे हम y3, तो यहाँ से कितना रहा स्टूडेंट 1/15, ठीक है। देन ये आएगा आपके पास 72 − 6 × x, है ना, x हमारे पास यहाँ रहा है 2.157 प्लस माइनस 2z, z कितना है हमारे पास 1.89, सिंप्लीफाई करेंगे उसको। नाउ z थर्ड इटरेशन स्टूडेंट, थर्ड इटरेशन की वैल्यू कितनी है 1/54, देन यहाँ पे आएगी 1110 माइनस x हमारे पास है 2.157 माइनस y की वैल्यू आएगी 3.269, क्लियर। देन इसकी वैल्यू आप उठा के यहाँ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड इटरेशन आ रही है वो कितनी आ रही है, ये आ रही 2.492 एंड देन यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 3.685 एंड देन ये आएगा हमारे पास 1.937। स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या लिखाएंगे, फोर्थ इटरेशन निकालेंगे, है ना। तो फोर्थ इटरेशन में कैसे करेंगे, फोर्थ इटरेशन में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप, है ना। ये आएगा x फोर्थ इटरेशन इज इक्वल टू 1/27, है ना, वही 85 माइनस 6 × y, y कौन सा, y की ये वैल्यू, है ना, क्या आएगी 3.685, है ना, इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू, है ना। देन क्या आएगा प्लस का z 1.937। अरे भाई ये जो वैल्यू आ रही ना थर्ड फोर्थ इटरेशन में, जो भी वैल्यू आएगी वो थर्ड इटरेशन की रखेंगे, लाइक यहाँ पे y3 z3 की वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे ना। नाउ फोर्थ इटरेशन क्या आएगा, ये देन ये आएगा आपके पास 1/15, ठीक है। देन ये आएगा 72 माइनस कितना आएगा 6 × x, x की वैल्यू कितनी है 2.492, है ना, माइनस 2 × z, है ना, 2 × z, z की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.937, ठीक है। नाउ फोर्थ इटरेशन ऑफ दिस, देन इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/54, है ना। देन ये आएगा 110 माइनस x, x की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे 2.5
है ना, माइनस y, y की वैल्यू हमारे पास कितनी, देखो यहाँ पे x माइनस y, y की वैल्यू हमारे पास है 3.685 है ना। तो ये सब वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे तो आपका जो फोर्थ इटरेशन में आंसर आएगा वो आएगा 2.401 है ना, देन यार आपके पास 3.545 है ना, एंड देन यार 1.925 है ना। इस तरह से हम यहाँ पे फोर्थ इटरेशन निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे ही आप फिफ्थ इटरेशन निकालेंगे, एंड देन फिफ्थ इटरेशन के बाद हमारा हमारी वैल्यू रिपीट करने लग जाएगी। तो यहाँ जगह नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा हटा के फिर आपकी फिफ्थ और सिक्स इटरेशन भी बताता हूँ, देन फिर इसको खत्म करता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे फिफ्थ इटरेशन तो फिफ्थ इटरेशन में क्या होगा, वही एक्स फाइव हो जाएगा यहाँ पे है ना, क्या आएगा देखो 1/27 है ना, क्या आएगा यहाँ पे 85 माइनस है ना 6 इंटू वाई, वाई क्या है देखो वहाँ पे 3.505 माइनस है ना 3.545 था ना, 505 था ठीक है। तो लाइक जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास है ना, तो ये वैल्यू आएगी वहाँ 545 था है ना, तो 545 है ठीक है। देन हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट जेड, जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी 1295 है ना, देन सिक्स इटरेशन आएगी सॉरी फिफ्थ इटरेशन में वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/15, देन 72 माइनस 6 एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2.401 है ना, देन एक और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस का 2z है ना, 2z, z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.925 ठीक है। देन हम z की फिफ्थ इटरेशन निकालेंगे है ना, ये कितना आएगा फिफ्थ इटरेशन 1/54 है ना, कितना आएगा देखो यहाँ पे 110 माइनस x, x की वैल्यू कितनी आएगी 2.401 माइनस y है ना, x माइनस y, y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3.545 है ना। और ये सब वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.432 एंड देन यहाँ आएगा आपके पास 3.583 आएगा, देन यहाँ पे आप क्या आएगा 1.927। इसी टाइप से आप जैसे इसकी सिक्स इटरेशन निकालेंगे, मैं सिक्स इटरेशन सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे है ना, क्योंकि आपको समझ में आ गया अल्टीमेटली वही प्रोसेस है। तो सिक्स इटरेशन निकालेंगे और वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2.423 एंड देन ये आएगा 3.57 आएगा, देन यहाँ आएगा आपके पास 1.926, देन इसकी सिक्स सेवन्थ इटरेशन निकालेंगे स्टूडेंट। तो देखो सेवन्थ इटरेशन भी इसी तरीके से निकलेगी, कुल मिला के आगे के चलते रहेंगे है ना। तो सेवन्थ इटरेशन में क्या होता है यहाँ पे, सेवन्थ इटरेशन में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2.426, देन यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 3.574 एंड ये आएगा 1.926। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्टीमेटली वैल्यू रिपीट करके देखो टू डिजिट पर रिपीट कर रही है ना, 3.57 एंड 1.92। तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आएगा, हैंस द सेवन्थ यहाँ पे देखना पड़ेगा सिक्स एंड सेवन्थ इटरेशन गिव पर्टिकुलरली या प्रैक्टिकली लिख लीजिए आप ऐसा, गिव सेम वैल्यूज आप ऐसा लिख लीजिए है ना, देयरफॉर वी कैन स्टॉप द इटरेशन, हैज द सॉल्यूशन इज, मैं लिख देता हूं हैंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज क्या होगी, x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2.426, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 3.574 एंड z की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.926, क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको फिर से पूरा मेथड एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ये वाला जो मेथड है, इस मेथड के अंदर लाइक अभी आपने पूरा डिस्कशन किया और डिस्कशन के अंदर आपको यहाँ पे जो मैंने मेथड समझाया, तो इसके अंदर करते क्या है कि जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर जो कॉफिशियंट है, लाइक तीनों इक्वेशन में आपको एक्स का कॉफिशियंट, वाई का कॉफिशियंट और जेड का कॉफिशियंट कहीं कहीं ज़्यादा दिख रहा होगा, तो जैसे इसमें एक्स का कॉफिशियंट ज़्यादा है तो एक्स को इधर रख लीजिए, बाकी इसको डिवाइड कर दीजिए वाई एंड जेड, देन हम क्या करेंगे इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 0 ले लेंगे है ना, देन फर्स्ट इटरेशन में 0 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी है ना, फिर नेक्स्ट सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे एक्स वन की वैल्यू, ये वाई वन और ये जेड वन उठा के रखेंगे,
तो एक्स टू आ जाएगा, यहाँ पे भी रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास सेकंड इटरेशन आ जाएगी। फिर इस तरह से सेकंड इटरेशन की वैल्यू इसमें रखेंगे तो थर्ड इटरेशन आ जाएगी, फिर इसको रखेंगे तो फोर्थ इटरेशन आ जाएगी, फिर यहाँ पे रखेंगे फिफ्थ, देन सिक्स, देन सेवन, जहाँ पे वैल्यू रिपीट कर जाए वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिक्स एंड सेवन इटरेशन गिव द सेम वैल्यूज, है ना, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज, सो वी कैन स्टॉप द इटरेशन एंड हैंस द सॉल्यूशन इज दिस एंड दिस एंड दिस। तो इस तरह से इसका हम क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। पर स्टूडेंट उसके बाद एक और नया मेथड है जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, और दिस मेथड इज नॉन एज गॉस सेडल मेथड। और गॉस सेडल मेथड में क्या होता है, इस मेथड की कमी है, और वो कमी है कि जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रखी, लाइक जैसे यहाँ पे देखो y और z की वैल्यू जीरो जीरो रखी, है ना, तो हमारे को यही x की एक नई वैल्यू मिल गई, है ना, तो हम ये नई वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, हम क्यों इसको जीरो जीरो रखे। तो अभी अभी क्या हो रहा है, गॉस जो इस मेथड है, लाइक जैकोबी मेथड में क्या हो रहा है कि सब जगह जीरो जीरो रखे, फर्स्ट इटरेशन निकल रही, फिर सेकंड, फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू सब में रखना तो सेकंड निकल रही, फिर थर्ड निकल रही, पर इसका ड्रॉबैक है, इसमें क्या हो रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है। तो जो गॉस सेडल है उसने क्या करा, उसने क्या बताया कि भैया ठीक है यार, आपने यहाँ पे y और z की वैल्यू जीरो रख दी तो x की नई वैल्यू आ गई, तो ये x की नई वैल्यू यहाँ रखो और z की पुरानी वैल्यू जीरो रख दो, तो यहाँ पे y की नई वैल्यू आ जाएगी, फिर ये x और y की नई वैल्यू उठा के रखो तो z की नई वैल्यू आ जाएगी, ना, तो उससे हमारा जो आंसर आएगा वो थोड़ा फास्ट आएगा एज कम्पेयर टू दिस मेथड। तो वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा, और मैं जो कंटेंट यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ वो बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो मेरा लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, सर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है या आप थ्योरी कम डिस्कस करें, पर भैया अगर मैथ्स पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप क्वेश्चन से थ्योरी को समझने की कोशिश करें, और जो लाइव क्लासेस होती है, लाइक जो हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पे थ्योरी अगर हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स का इतना, और थ्योरी बहुत सारी लाइक बुक्स में पढ़ी हुई है, आप बुक से जाके समझ सकते हैं। मैंने स्टूडेंट को तकलीफ आती है कि थ्योरी कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करें, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन में थ्योरी को अप्लाई करना सिखाता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो भैया थ्योरी भी आपको समझ में आ जाएगी, तो लाइक थोड़ा सा इस एटीट्यूड के आप साथ पढ़ोगे तो लाइक आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो थ्योरी हम इतना ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है कि हम थ्योरी पढ़ाने लग जाएंगे तो जैसे नॉर्मली टीचर्स आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं, और जो कॉलेज में ज़्यादा थ्योरी पढ़ाता हो तो आपको बोरियत महसूस होती होगी, यार बहुत ज़्यादा थ्योरी हो रही है ना। क्वेश्चन करने में भी आप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ भी आपको मज़ा आता है कि चलो चीज़ें समझ में आ रही है ना। तो लाइक क्वेश्चन से पूरा मेथड को, लाइक जैसे जैकोबी मेथड मैंने आपको समझाया है ना, तो जैकोबी मेथड था क्या, अगर हमें क्वेश्चन से पूरा एक्सप्लेन कर दिया भाई इसी को थ्योरी में समझा रखा उसने, है ना, तो क्यों थ्योरी हम डिस्कस करें, क्वेश्चन को ही समझ लेना, क्वेश्चन समझ में आएगा थ्योरी भी समझ में आ जाएगी क्या करना है इसके अंदर, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। तो स्टूडेंट मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा लाइक मैं आपके लिए अपलोड करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, बस आपसे एक ही अनुरोध कर रहा हूँ, बार बार लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, सो देट कि मैं आपके लिए लाइक अपना कम्युनिकेशन बनता रहे, क्योंकि देखो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ पर मुझे भी रेस्पॉन्स चाहिए, अगर आपकी तरफ से प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलता है तो फिर लगता है कि हाँ चलो काम हो रहा है, क्योंकि मैं मेरी तरफ से तो काम कर रहा हूँ पर आपकी जो कमेंट्स और लाइक्स होते हैं उससे हमें ये लगता है कि चलो यार हमारे कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं, क्लियर है। तो आप करते रहिए, और ये जो लास्ट वाली स्क्रीन आ रही इसके अंदर मेरे जितने भी यहाँ पे वीडियोस अपलोडेड हैं उनके प्लेलिस्ट दी हुई है, तो वो वहाँ पे आप जाके मेरे वीडियोस को और भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय, थैंक यू।